सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव ने कहा, पिछले विधानसभा चुनाव में उनके प्रत्याशियों को रिकाउंटिंग करके पैसा बांट कर हराया गया। बीजेपी बच्चों को जो स्वेटर और जूते देती है, स्वेटर पहनने के बाद ही फट जाता, जूते ऐसे दे रही है, एक नंबर का दूसरा, दूसरा नंबर का दूसरा नंबर मिलाते रहो, पहनना कैसे है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मैंने बनवाया, नेताजी ने उद्घाटन किया, सड़क पर चढ़ने से लेकर उतरने तक देख लेना, कहीं अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन जैसे ही शौचालय दिखेगी भाजपा वालों का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। घेर के हरा दिया जी, रमेश द्विवेदी को हरा दिया, आपको क्यों हरा दिया? लेकिन लेकिन विनोद चतुर्वेदी जी जीत करके आए थोड़े जालौन से, ऐसे बहुत सारे साथी जीते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कौन कहाँ है, कौन किस जगह है। आज अब बीजेपी से ज्यादा कोई झूठ बोल सकता है? कोई नहीं। लीडर टूट गया। आप ये दिलो दिमाग में रखने बात, जिस समय आप दिलो दिमाग में रख लें कि बीजेपी झूठ बोलती है, उसी समय आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसी है। अगर आपने दिलो दिमाग में नहीं रखी है बात कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो आपको बात बीजेपी की गुमराह कर देगी, समझ में नहीं आएगा। आप बताओ एम्बुलेंस है 1108, अच्छा कोई भेदभाव करती है? बताओ 108 कोई जाति के हिसाब से चलती है? मुझे याद है 2014 के बाद बनारस में जो प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक थे, उनका कहीं एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में जो लोग घायल थे, उनके परिवार के लोगों को अगर कोई सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया था, तो वो समाजवादी पार्टी की शुरू की 108 एम्बुलेंस पहुंचाना था। आप बताओ कहीं भेदभाव होगा वो बता दो। आप में से जो मैनपुरी के लोग होंगे, बताओ लैपटॉप मिला था कि नहीं मिला था? मिला था। और हम ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा बेटियों को लैपटॉप मिले थे, बेटियों को लैपटॉप मिले थे, और जिसके घर में भी लैपटॉप होगा आज भी चल रहा होगा, आज भी चल रहा होगा, और बैग ऐसा दिया है। अच्छा बीजेपी के कभी देखे बच्चों के जूते? बीजेपी जो जूते या स्वेटर देती है बच्चों को, स्वेटर पहनने के बाद ही फट जाता है, और जो जूते ऐसे देते, एक पैर का दूसरा नंबर, एक दूसरे पैर का दूसरा नंबर।